हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। यार ये एक्सपोजर की बड़ी दिक्कत होती है। और ये देखो, गन्नू महाराज हमारे सो चट्टी मैन और दादू भी सो रहे हैं। गन्नू के सो क्या रहे, पापा बगल में लेटे हैं, ऐसे ही सो जाते हैं। और ये देखो, अब मैं बहुत दिन बाद तैयार हूँ, लेकिन मेरे पति कभी मेरी तारीफ नहीं करते हैं। क्यों? अभी इनको एक फ़ोटो चाहिए थी। मैंने कहा पहले चुम्मा दो फिर फोटो लो। सोचो, मतलब ब्लैकमेलिंग का जमाना आ गया है। गन्नू से तुम लोग यही करते हो ना? हाँ, उसको तो करता हूँ। तो फिर गन्नू से कोई भी सामान इनको चाहिए होता है, ये लोग कहते हैं पहले गन्नू या किसी करो फिर मैं दूंगा, फिर मैं दूंगा। तो मैंने कहा मैं भी नहीं कर लेती हूँ, आखिर गन्नू की मम्मा हूँ। और बाकी ये बताइए, ये देखिए, ये दुपट्टा इतना प्योर है, मैं कल लेके आई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने इसका वीडियो डाला है ऋषिकेश पे, जाके देखिएगा। और ये तेपची वाला दुपट्टा है, दुपट्टा ये ऐसे पकड़िए ना, मैं दिखाऊंगी, ऐसे पकड़िए ना, मैं दिखाऊंगी। हाँ ऐसे ही पकड़ना, लाइट ऑन कर लो, ऐसे ही अच्छा दिख रहा है। अभी तो मैं तैयार ऐसे ही हुई थी वीडियो शूट करने के लिए। और ये मेरी कुर्ती, ये मैंने अपने लिए वाइट कलर की कुर्ती निकाली है, जो मुझे बहुत पसंद आ गई थी। और कुछ मैं अपने लिए भी निकाल लेती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। और अभी बस ऐसे ही खेलता खेलता सो जाता है। खो गया है कहीं, देखो यार यहीं कहीं देखो वो रखा होगा। अरे बाबा, मतलब इतनी फ़ोटोज़ हो गई हैं जो नया स्टॉक आया है। इसके अलावा भी नया स्टॉक बहुत सारा आया है, जो हम लोगों ने कल परसों नर्सों खूब सारा अपडेट किया है। अगर आपको कॉटन की कुर्तियाँ चाहिए तो प्लीज़ जाइए ज़रूर इंस्टाग्राम पे, ज़रूर चेक करिए। आप लोग चेक करना भूल जाते हो, इसलिए मैंने कहा आज यहाँ मैं बता दूँ। और अभी काम होता है इन कुर्तियों को, पहले तो फ़ोटो क्लिक हो गई है, अभी इसको नाप के प्रॉपर नाप के रखना होता है। उसके बाद में एक एक कुर्ती चेक करते हैं कि हाँ कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है, ताकि उसको फ़ोटो से ही हटा दिया जाए। और कुर्तियाँ आप देख रहे हो ना, एक से एक है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं। वैसे इसके ऊपर ये वाइट ईयरिंग्स अच्छे लग रहे हैं, कितने बाद मैंने ऐसे डाले हैं। तो बस अभी मैं जा रही हूँ आप सबके लिए इंस्टा पे फोटो अपडेट करने। तो यहीं आप लोग भी एक काम करिए, पॉज करिए, लाइक करिए, उसके बाद जाके सबसे पहले इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा वीडियो देखने के बाद में। तो अभी मैं जा रही हूँ इंस्टा अपडेट करने के लिए, और साथ ही साथ ऋषिकेश के लिए मैंने वीडियो बनाया है दुपट्टे वाला, वो डाल देती हूँ। तो वो भी जाके दोबारा से आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। और ये देखो इसका धागा निकला है, मैं बार बार सोच रही हूँ मेरे बालों में यहाँ पे क्या लगा है ये। तो चलो फोटो अपडेट करते हैं उसके बाद में। देखो मेरे को ये कहती दीदी दीदी, और ये बस गम से उठ के बैठ गए हैं। भैया अच्छा नीचे आ जाओ, छू छू कर लो, चड्डी पहने हो, छू छू कर लो, आ जाओ आ नीचे तला। ये देखो उठता ऐसे हंसता हुआ बैठा था, फिर दादू के साथ उठाया, देखो दूध पी लिया है। आओ भैया, डैडी बुलाए, आओ भैया, अरे आओ यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, छू छू कर लो, आ जाओ। गया, हाँ हाँ, कहाँ जा रहे हो? तो पर्दा खोलिएगा पीछे से, तो रोशनी, अच्छा पीछे से नहीं खोली है, आइए भैया। यही थी आई, हम सुने कि तुम सो गए थे क्या? सो गया था भैया, उठ भी गया। आओ चलो चले चलो, तो गुम्मी का टाइम हो गया, खेली का टाइम हो गया। हाँ या यही शेर, आओ चलो नीचे उतरो। शुशु का है, शुशु आया है,
डैडी के पास जाओगे? आए मेरे बेट तो कहाँ ले चले? हाँ मैं एक्चुअली यहाँ सोफे पे लेटी हुई थी और ये नीचे लेट गए। मैं यहाँ पे काम कर रही थी जैसे अभी वीडियो एडिट किया अपलोड किया और ये देख रहे हो ये ऐसे जब इसकी नींद पूरी हो जाती है सुबह सुबह यही करता है यहाँ से ये कहते हैं जाओ दादू के पास तो भाग के चला जाता है ऐसे ही करके। भैया शुशु आइए आपको शुशु कर लीजिए चल के आइए। याद दिलाना पड़ता है इन लोगों को ये वो हो जाते हैं इनकी अपनी शक्ति भूल जाते हैं कि इनको शुशु करनी इनको याद दिलानी पड़ती है इनकी शक्ति कि शुशु करनी है चलो बच्चा शुशु करनी है। अब उठेंगे अब चाय पानी करते हैं अब उठते हैं मतलब इतनी देर आजकल मैं आराम कर लेती हूँ लेट के जो भी कुछ अपने काम करने होते हैं छोटे मोटे निपटा देती हूँ। ये देखो आ गए जा रहे हो कर लो जा रहे हो घंटी नीचे दबाई है घंटी बजाओ दीदी को बाय कर लो कहते दीदी बाय 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 दीदी बाय कर लो बच्चे तुम जाओ ये ऐसे ही है ये ऐसे ही है बदमाश वो लगा था घिस्सा पापा वही है ना गाड़ी है अब चलती है तो कहीं ना कहीं लग ही जाता है। ऐसे ही थोड़ा मोड़ा काम करते करते मतलब चीज़ें अभी वो कमरा मैं सही नहीं कर रही क्योंकि पता है आज इनकी ना और अभी मैं वो कमरा सही नहीं कर रही क्योंकि आज इनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने कहा ये अभी आराम कर लेते हैं सो गए हैं गल्लू बाहर टहलने थोड़ी देर चला गया तो अभी आज तो मास्क नहीं लगाया है क्योंकि गले के बाहर ही टहला था बट अभी पापा मास्क लेके गए हैं उसको कहने के लिए चलो थोड़ी दूर यहाँ तक टहला देते हैं तो पापा पूरी कोशिश करते हैं किसी के पास में नहीं गया पापा रहते हैं तो मेरे को टेंशन भी नहीं रहती है इतनी। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं गन्नू की बॉटल्स कैसे धोती हूँ तो मैं आपको बता दूँ गन्नू की बॉटल्स धोने के लिए हम ये यूज़ करते हैं ये है ममा अर्थ का क्लींजर सबसे बड़ी चीज़ है ये प्लांट बेस्ड है मल्टीपर्पज़ क्लींजर है फॉर बेबीज़ के लिए और 0 मंथ से ऊपर के मतलब जितने भी बच्चों की बॉटल्स होती हैं आप इसको आराम से धो सकते हो और इसके टॉयज धो सकते हो फ्रूट्स और वेजिटेबल भी इससे धो सकते हो मतलब ये है ये देखो मतलब ये है कि मल्टीपर्पज़ है अगर आपके घर में बेबी है और आपको फूड और वेजिटेबल फ्रूट्स और वेजिटेबल धोने के लिए भी कुछ चाहिए तो आप ही ममा अर्थ का ये क्लींजर मंगा सकते हो बहुत अच्छा है सबसे अच्छी चीज़ है नेचुरल फार्मूला है मेडिकली टेस्टेड है एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स इसमें आपको मिलेंगे और 500 ml का ये जो पैक आपको दिखाई दे रहा है मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ एक सेकेंड ये आपको 500 ml का ये पैक मिलेगा और सबसे अच्छी चीज़ है नो बीच नो SLS नो पैराबिन नो फोम बूस्टर मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है अलग से जो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचता है गर्मी बहुत लग रही है और धुलने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना जैसे कि ये जो दिन भर की बॉटल्स गंदी रहती हैं तो शाम में मैं इसकी बॉटल्स धोती हूँ तो बस इसमें मैंने पानी लिया और समटाइम्स अभी तो मैंने बस पानी से निकाल दी हैं बट जो रात की बॉटल्स होती हैं तो इसमें गुनगुना पानी भी आप यूज़ कर सकते हो अभी गर्मियां हैं तो बॉटल्स साफ़ हो जाती हैं बट जब सर्दी होती है तो हमें गुनगुने पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि वो जो दूध और चिकनाई होती है वो ठंडे पानी से ठंडा बहुत ज़्यादा पानी होता है तो वो नहीं निकल पाती तो गर्म पानी से हम लोग धुलते हैं यूजली और इसकी कुछ ड्रॉप हम इसमें डालेंगे ये बस थोड़ी सी और इसको हमने यहाँ रख दिया उसके बाद में बंद करो यहाँ पे इसको ये जैसे कि मैंने कहा था इसमें बहुत ज़्यादा आपको फोम नहीं मिलेगा क्योंकि ये वेजिटेबल उसे भी साफ करने वाला है फिर हम लेते हैं ब्रश और बस आप इसको अच्छे से साफ कर लो।
मामाअर्थ की बात करते हैं तो इसके सारे प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री और नेचुरल हैं। मामाअर्थ इज़ अ प्लास्टिक पॉजिटिव, दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज़। और स्क्रीन पे मैंने अपना कूपन कोड दे दिया है ऋषिकेश20, अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपको 20% ऑफ मिलेगा mamaearth.in की वेबसाइट पे, और ये आपको मामाअर्थ अमेजोन फर्स्ट क्राई पे मिल जाएगी। सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप वहाँ से इसे चेक कर सकते हो। ऑल मामाअर्थ प्रोडक्ट्स आर नाउ ऑफिशियली सर्टिफाइड बाई PETA और एज क्रूडली फ्री। और बॉटल्स को जितना ज़्यादा आप खुले पानी से साफ़ करते हो उतना ज़्यादा अच्छी रहती है, मतलब 5-6 बार आप इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। और छोटे वाले ब्रश से मैं साफ़ करूँगी निप्पल, तो उससे आप अपने बॉटल्स की निप्पल भी बहुत अच्छे से साफ़ कर लीजिए। और बस बॉटल साफ़ हो गई है, इसके बाद में टर्न आता है हमारा गर्म पानी से उबालने का, तो प्रॉपर गर्म पानी से उबालते हैं। कोई भी बॉटल में महक नहीं है किसी भी तरीके से, बॉटल से पूरी तरीके से साफ़ हो गए। इसके बाद में सेकंड प्रोसेस आप लोगों को पता है हमें बॉटल्स को उबालना होता है, और अभी उसके लिए मैं बड़े भगोने में पानी चढ़ाती हूँ जिसमें मैं सारी बॉटल्स डाल देती हूँ। सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, जो पानी खौलने लगता है तो जितनी भी ढक्कन्स और ये निप्पल होती हैं पहले मैं वो डाल देती हूँ, और निप्पल्स को ऐसे निकाल के इस तरीके से, ताकि ये पोर्शन पर जो दूध जमा हो वो भी आपका साफ़ हो जाए। और अभी मैं ये बाकी की 2 बॉटल्स और हैं, 1 बॉटल अभी कमरे में है, सब इकट्ठे धुल के और फिर उसको उबालने के लिए चढ़ा दूंगी। और बाकी अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो ये आपको मिल जाएगा mamaearth.earth की वेबसाइट पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, आप कहीं से भी इसे बाय कर सकते हो। लिंक मैंने सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहाँ से इसे ज़रूर चेक कर सकते हो। फ्रेगनेंस बिल्कुल भी, एक जो बॉटल में बहुत महक आ जाती है वो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ है जैसे कि आपको हमेशा बॉटल एक अच्छी आपको यूज़ करनी चाहिए, ब्रांडेड अच्छी यूज़ करो, तो ऑब्वियसली बॉटल क्लीनजर भी आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मामाअर्थ का ये है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। और इसी तरीके से अगर आप इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल भी धोते हो तो सबसे पहले यही है कि थोड़ा सा बाउल में इसको डाल के उसमें फ्रूट्स वेजिटेबल आप रख दीजिए, डिप कर दीजिए, 10 सेकंड बाद उनको साफ़ करके निकाल लीजिए, फिर आप रनिंग वाटर में अच्छे से साफ़ कर लीजिए, उसके बाद आप अपने फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी है वो यूज़ कर सकते हो। ये देखो ये गन्नू की डेट्स रखे हैं, उसको डेट्स बहुत पसंद है, तो आजकल उसको डेट्स में देती हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, तो इसीलिए दिन में एक या दो इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये बहुत गर्म भी करता है, तो 1 या 2 डेट्स गन्नू का डेली रहता है, तो गन्नू के दादाजी भी खाते हैं, उसको भी खिलाते, तो मेरे लिए बहुत आराम होता है पता है, क्योंकि समटाइम्स बच्चों खेल खेल के खाते हैं और आप लोग हम लोग इतना बिजी रहते हैं कि इतना ज़्यादा टाइम बच्चों को नहीं दे पाते हैं खिलाने के लिए, लेकिन अभी उसके दादाजी हैं उनके पास और कोई है ही नहीं, वो बस उसी में बिजी रहते हैं, तो आराम से उसको छील के कोई भी चीज़ खिलानी होती है मैं उनको दे देती हूँ, तो पापा लीजिए इसको खिला दीजिएगा, खुद भी खा लीजिएगा, बस हो जाता है। तो अभी घर को इधर थोड़ा बहुत सही करके खाने की तैयारी करते हैं। आज इनके सर में दर्द हो रहा था तो आज ये शाम में थोड़ी देर के लिए सो गए थे, मैंने कहा आप थोड़ी देर के लिए सो जाओ ताकि आराम मिल जाए। ये पिंक कलर आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये नाइटी मैंने अभी लेके आई हूँ चिकनकारी की, जो जल्दी ही आप लोगों को इंस्टाग्राम के पेज पर मिल जाएगी। और बस थोड़ा मोड़ा सामान यहाँ से वहाँ उठा के अभी केले की सब्ज़ी आज बनाने जा रही हूँ, और इन्होंने कभी केले की सब्ज़ी मतलब 1-2 बार शायद खाई है बट बनाई कभी भी नहीं है, और मुझे केले की सब्ज़ी अच्छी लगती है, मतलब इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी भी है और बन भी अच्छी जाती है अगर आपने बस ज़रा सी मेहनत कर दी है तो अच्छी बनती है। मैं आपको दिखा रही थी ये डबल वाले मिले हुए हैं, एक साथ जो 2 किले चिपके रहते हैं ना, ये वो वाला केला था, तो इसको बस आप अच्छे से काट लो, और बहुत ज़्यादा छिलका मतलब पतला नहीं उतारते, थोड़ा मोटा ही उतारते हैं क्योंकि छिलका रहेगा तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा। ये कच्चे केले हैं, मैंने लिए थे शायद 30 रुपये दर्जन या किलो के हिसाब से ये मिले थे, तो बस छील के छोटा छोटा सा इसको हमें काट लेना है, उसको धो लेना है, उसके बाद में हमें इन्हें फ्राई कर देना है। नॉर्मल इसको सूखी सब्जी की तरीके से बनाते हैं। लहसुन मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला था और सिर्फ हरी मिर्च और जीरे से तड़का लगाया था। उसके बाद में आप जो भी मसाला छोटा मोटा जैसे कि थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ी सी हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल दी थी और काफ़ी अच्छी केले की सब्ज़ी हमारी बन गई थी। ये हो गए उठ गए सो के, ये एक्चुअली तब से सो क्या रहे थे, गन्नू सोने तो देता नहीं लेकिन तब भी हम कह रहे थे लेट जाइए जाके, क्योंकि इनके जब सर में दर्द आजकल हो जाता है समटाइम्स, तो बहुत इसको फिर से धो दो, पैसे भी हैं इसमें। ये हाँ ये सब्जियाँ एक्चुअली धो के रख दी थी और उसके बाद में फ्रिज में रखने की, वो पता है कभी कभी होता है जब आजकल क्या हो रहा है सब्जी वालों से हम लोग सब्जी देख के तो लेते नहीं हैं, कोरोना टाइम में आपको पता है तो दूर से उससे कह देते कि भैया यहाँ दरवाजे पर रख दो 1 बाल्टी रख के, तो अब यही हो गया है कि ज़रा सा ध्यान नहीं दो तो जितने ख़राब सब्जी होगा ना सब आपको दे देंगे वो। बस आज हम बनाने जा रहे हैं इसकी केले की सब्जी, इन्होंने कभी बनाई नहीं, इन्होंने कभी खाई है शायद, खाई है आपने कि नहीं खाई है, खाई है एक बार बार, लेकिन कभी बनी नहीं है क्या, हमारे यहाँ बन जाती थी कभी कभार,
तो वही मैंने कहा रुको अच्छा मैं केले की सब्जी बना के देती हूँ आपको जल्दी से, और अभी एक तरफ ये आटा बना देंगे और रोटी सेक देंगे। ए बाबू इसको बाहर फेंक, फिर तुमने उसी के ऊपर रख दिया क्या बाहर फेंकने, उसमें चीटी हो गई, चीटी कूड़े वाली में चीटी है, कूड़ा जगह रखा है सब बाहर तुरंत फेंक हो जाके। हाँ उसमें चीटी होगी क्योंकि उसमें मैंने अभी छिलका भी रखा है ना उसका। तो कढ़ाई में जीरा डालना है थोड़ा सा, उसके बाद में कटा ये क्या बोलती हूँ हमारा केला डाल देना है, उसके बाद में उसको फ्राई करना है, फिर मसाला डाल के छोंक देना है, बस यही करना है। चलो बनाते हैं केले की सब्जी, और इसी के साथ मैं ये वाला व्लॉग मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा ये छोटा सा व्लॉग। आज मैंने शायद ऑपरेशन के बाद एक महीने बाद सब्जी बनाई है, मतलब पूरा एक महीना हो गया था मैंने किचन में कोई भी काम नहीं किया था। आप ये सोचो कि मैं सब्जी बना रही हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। और सच बताओ कि इतने दिन बाद जब आप किचन में जाते हो तो आपकी थोड़ी मोड़ी आदतें भी छूट जाती हैं। मतलब अभी बीच में आप देखते थे पूरा खाना पूरा घर के काम सब कुछ मैं कर लेती थी और मज़े में करती थी, अभी इधर आदत भी छूट गई। लेकिन हाँ अभी थोड़ी सी वीकनेस भी है कि ज़्यादा देर तक काम करो तो थकान बहुत ज़्यादा लग जाती है, चक्कर से आने लगते हैं। लेकिन हाँ ये है कि धीरे धीरे अगर आप काम करते रहोगे तो अब मैं कर ले रही हूँ, तो छोटे मोटे काम मैं कर लेती हूँ। और बस सब्जी वैसे काफ़ी अच्छी बन गई थी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब्जी की रेसिपी ज़रूर दिखाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।